टी एक ऑपरेटर दिया हुआ है विच इज फ्रॉम आर फोर टू आर फोर, आर फोर से लेके आर फोर पे एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है और इसका करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ टी इज एक्स माइनस टू टू द पावर फोर एंड मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ टी इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर टी का जेसी फॉर्म लिखूंगा तो मिनिमल पॉलीनोमियल में एक पावर टू है तो एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा जिसका ऑर्डर टू होगा, तो टू वन जीरो टू, और रिमेनिंग जो भी जॉर्डन ब्लॉक होंगे उनका ऑर्डर या तो वन आएगा या टू आएगा। जो हमने जेसी फॉर्म के चार रूल पढ़े हैं उन्हीं को यूज करना है। तो यहाँ बाकी दो ब्लॉक ऑर्डर वन के हो सकते थे या एक ऑर्डर टू का ब्लॉक आना ही आना है और बाकी सेकेंड ब्लॉक भी ऑर्डर टू का मिल सकता है। तो ये एग्जैक्टली दो ही पॉसिबल जेसी फॉर्म है इस मैट्रिक्स की। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो एक ऑर्डर टू के दो ब्लॉक दिए हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन में ऑर्डर टू का एक ब्लॉक है और ऑर्डर वन के दो ब्लॉक्स हैं, थर्ड ऑप्शन में सारे ऑर्डर वन के ब्लॉक हैं नॉट पॉसिबल, और फोर्थ ऑप्शन में ऑर्डर थ्री का एक ब्लॉक है और एक ऑर्डर वन का ब्लॉक है तो नॉट पॉसिबल। तो आंसर शुड बी ए एंड बी। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज करनी है जो जेसी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन थी। क्लियर?